दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस सर्च करते हैं तो उस समय आप क्या क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से आपको क्या क्या देखना चाहिए, सबसे पहली चीज तो जो प्रोडक्ट में आप डील करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसकी आरओआई कितनी आपको निकल कर आएगी। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट में आप डील करेंगे क्या ये लॉन्ग टाइम प्रोडक्ट है। दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं ये एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी है, और दोस्तों जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट है। ये एक बार आप ग्राहक बना लेंगे तो बार बार आपके पास बिजनेस आता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। फ्रेंचाइजी बताओ पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको दे रहे हैं दीपाश्री एंटरप्राइजेस फ्रॉम लखनऊ। और दोस्तों, जिस ब्रांड की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है निरोली ब्रांड। दोस्तों, निरोली दीपाश्री एंटरप्राइजेस का एक ब्रांड है जो डील करता है सैनिटरी पैड्स में। दोस्तों, सैनिटरी पैड्स आज के दिन जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी की रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने पैडमैन मूवी जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि उस मूवी को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। दोस्तों, अगर मैं सैनिटरी पैड्स के मार्केट साइज की बात करूं तो 2020-21 में जो इसका मार्केट साइज है वो 4,000 करोड़ रुपए का है इंडिया में, और एक रिसर्च के मुताबिक ये मार्केट साइज अगले 5 सालों में बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो हर साल 11-12% की दर से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मार्केट बहुत बड़ी है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को कहां कहां प्लेस कर सकते हैं, कहां कहां ये प्रोडक्ट सेल्स हो सकता है, एक बार ध्यान से सोचिए अपने चारों तरफ कि ये प्रोडक्ट आपको कहां कहां मिलता है। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको सभी मॉडर्न स्टोर पे मिलेगा, जैसे कि डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सारे रिटेल स्टोर्स में मिलेगा, सारे किराना स्टोर्स में मिलेगा, कॉस्मेटिक स्टोर्स में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मेडिकल स्टोर्स पर भी मिलेगा। तो जब आप मार्केट कैप्चर की बात करते हैं तो एक मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर कि आप इस प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास प्लेसमेंट की कमी नहीं है। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर मैं निरोली की बात करूं तो जो निरोली के प्रोडक्ट्स हैं ये दो क्वालिटीज में आते हैं, एक निरोली और एक निरोली सखी। दोस्तों, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो एज पर कंपनी इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। आप मार्केट में किसी भी बड़े से ब्रांड से कंपेयर कर लीजिए, आपको क्वालिटी जबरदस्त मिलने वाली है। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट है वो आज के दिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ताकि आप मार्केट में अगर इस पर डील करें तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएं। दोस्तों, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जितने भी मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उससे प्राइसिंग इसकी कम है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप निरोली के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने के लिए यहां पर आपको निरोली एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है, स्पेशली वुमेन्स को। दोस्तों, ये प्रोडक्ट वुमेन्स को यूज में आने वाला प्रोडक्ट है, तो यहां पर कंपनी कहती है कि जब वुमेन्स इसकी मार्केटिंग करेंगी, जब वुमेन्स इसकी डीलिंग करेंगी तो शायद वो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएंगी, और इसीलिए निरोली भी इनको बढ़ावा दे रहा है। नॉर्मली अगर आप निरोली की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो कम से कम आपको 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन जब आप एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको केवल 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 50% कम में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ एज एन वुमेन जब आप किसी बिजनेस को करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ध्यान आप प्रोडक्ट को सेल करने पर लगाएं, आप ज़्यादा ध्यान अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर लगाएं, आपको अकाउंटिंग पर ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, तो मैं आपको बता दूं कि यह प्रोडक्ट GST एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है। आपको कोई करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेविंग अकाउंट से ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा ना बन जाए। अब आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, और आप किस तरीके से इस बिजनेस में सक्सेस पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों, यहां पर आपको कंपनी 30% का प्रॉफिट मार्जिन देती है अगर आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आप दो तरीके से सेल्स कर सकते हैं, एक आप B2B कर सकते हैं या फिर B2C कर सकते हैं। B2B से हमारा मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। आप अपने एरिया में जितनी भी दुकानें हैं, भले ही वो किराना स्टोर हो, रिटेल स्टोर हो, कॉस्मेटिक स्टोर्स हो या फिर मेडिकल शॉप्स हो, उन सभी स्टोर्स पर आप इस प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। हर जगह ये प्रोडक्ट बिकता ही बिकता है। जब आप वहां पर बेचते हैं तो आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि 30% में से आपको थोड़ा शेयर उनको भी देना पड़ता है।
दूसरा आप डोर टू डोर सेल्स कर सकते हैं, आप अपने अंडर में कुछ सेल्स गर्ल या सेल्समैन रखकर आप डोर टू डोर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे तो थोड़े महीनों में आपके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस आ जाएगा जो रेगुलर यूजर होंगे इस प्रोडक्ट के, और आपके पास कॉल्स पर या व्हाट्सएप पर ही ऑर्डर आने लगेंगे। तो दोस्तों आप यहां पर दो तरीके से प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो, एक आप B2B करके, दूसरा आप B2C करके। दोस्तों यहां पर बहुत सारी खासियत है इस प्रोडक्ट की। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपको नया बिजनेस सर्च कर रहे हैं, एज ए वुमेन आपको बिजनेस सर्च कर रहे हैं, तो निरोली आपके लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड हो सकता है, क्योंकि आप आसानी से इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर पाओगे, आप मार्केट से ऑर्डर लेकर आ पाओगे और आप डायरेक्ट सेल करके 30% तक का कमीशन तक भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर एक बार आपके एरिया में यह प्रोडक्ट प्लेस हो गया, कुछ महिलाओं ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों अपने आप आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जो मार्केटिंग होती है वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंपनी R&D पर रेगुलर काम करती है सो दैट कि कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस दे सके। तो यहां पर जब प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तो सभी महिलाएं अपने आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ा देंगी। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को प्लेस कर दें। कंपनी भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, कंपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रही है, कंपनी अपने डिजाइन्स पर, डेवलपमेंट पर, मार्केटिंग पर पैसा खर्च कर रही है, जिसका कि फायदा आपको भी मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी आपको ट्रेनिंग सपोर्ट भी देती है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कंपनी आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। दोस्तों तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट हो सकता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अमेजिंग हो सकती है। अगर आप हर महीने केवल 1,00,000 रुपए सेल कर ले और 15% भी प्रॉफिट कमा ले तो 15,000 रुपए महीना आप कमा सकते हैं। दोस्तों 4 से 5 महीने में आपका ब्रेक इवन आ जाएगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। सो दोस्तों ये थी आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी निरोली सैनिटरी पैड्स की। मैं आपको लास्टली एक ऐड दिखाना चाहूंगा जो कंपनी का ऐड है, इस ऐड को आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस बिजनेस को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, खासकर दोस्तों उन लोगों को जो कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रही है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं ले रही है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना पूरा प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कंपनी का ऐड। जय हिंद जय भारत। कर देती हूँ रोशन उन राहों को जिन्हें जिद है अंधेरे की, मुश्किल दिनों का करें सामना कॉन्फिडेंस के साथ। निरोली अल्ट्रा थिन सुपर एब्जॉर्बेंट सैनिटरी पैड एक्टिव जेल टेक्नोलॉजी के साथ डिस्ट्रीब्यूट